ओके गाइस, सो ये वाइड हब यूएमबी ट्यूटोरियल नंबर थर्ड वीडियो है, बिकॉज इससे पहले गाइस मैंने दो ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियोस बनाकर रखे हैं वाइड हब के यूएमबी के ऊपर। सो देखो गाइस, सबसे पहला जो पार्ट था उस पर मैंने कवर किया था कि वाइड हब ऐसे प्रिडिक्शन हिट्स और या फिर फ्री फायर कैसे मारता है, जैसा कि तुम लोग इधर ऊपर बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो, ठीक है, इसको गाइज मैंने कवर किया था। सेकंड पार्ट पर गाइज मैंने कवर किया था वाइड हब अपने एम को एम बॉट जैसा कैसे बिहेव करवाता है, लाइक एनिमी के ऊपर ऐसा चिपक जाता है कि लाइक एकदम एम बॉट कह सकते हो तुम लोग, और एनिमी जिधर भी मूव करता है तुम्हारा एम भी उसी के साथ उधर ही मूव करता है। तो इसको गाइज मैंने कवर किया था पार्ट टू में, बट गाइज अब टाइम है पार्ट थर्ड का, जो कि सबसे डेडली वाइड हब का यूएमपी ट्यूटोरियल, स्कोप स्लाइड हेडशॉट। मतलब वाइड हब स्कोप करता है फिर स्लाइड करता है इधर उधर और ऑटोमेटिकली ओनली रेड लग जाता है। इसको गाइज आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि लाइक ये कैसे तुम लोग अपने रियल गेम प्ले में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और इसका जो सीक्रेट है गाइज मैं पूरा रिवील करने जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज गाइज ये ट्रिक बहुत बंदों का फेवरेट है और बहुत बंदे ट्राई भी करता है इसको अपने रियल गेम प्ले में करने का, बट गाइज 90 या 99% बंदे फेल हो जाते हैं इस ट्रिक में, और 100 में से लगभग एक ही बंदा इस ट्रिक को परफॉर्म कर पाता है, बिकॉज गाइज ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और दूसरा चीज है गाइज, तुम लोगों को जो सीक्रेट है वो तुम लोगों को पता ही नहीं है कि लाइक ये वर्क कैसे करता है, बट डोंट वरी गाइज, योर डार्क इज हियर। आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा तुम लोग यूएमपी को नेक्स्ट लेवल कैसे चला सकते हो, और जो स्कोप स्लाइड हेडशॉट है उसको तुम लोग अपने रियल गेम प्ले में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो यस गाइज, वीडियो के एंड तक देखते रहना, बहुत ज्यादा ओपी वीडियो होने जा रही है। सो चलो गाइज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ गाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि वाइड हब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज आएंगे, लाइक उसका हर एक ट्रिक को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। सो अगर ऐसा ही वीडियोज और तुम लोग चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियोज आगे आते रहेंगे। सो अभी चलो गाइज डायरेक्ट मूव करते हैं ट्रिक के ऊपर। ओके गाइस, बेटर तरीके से समझाने के लिए इधर मेरे पास है दो ओपोनेंट एनिमीज, मान लो कि ये भी एनिमीज है। देखो अब ज़्यादातर बंदे वाइड हब ट्रिक को सीखने के लिए क्या करता है, यूएमपी लेता है इधर और यहाँ पर ट्राई करता है इस पुतले के ऊपर। अब देखो गाइस, सबसे बड़ा मिस्टेक तो तुम लोग यहीं पे कर रहे थे, ठीक है। वाइड हब का यूएमपी ट्यूटोरियल जो है, मतलब स्लाइड स्कोप ट्यूटोरियल, उसको सीखने के लिए एक रियल एनिमी होना जरूरी है। अब देखो गाइस, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है और तुम लोगों को इस पर क्यों ट्राई नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं स्कोप करता हूँ फिर फायर करके फायर ड्रैग अप कर रहा हूँ, मतलब सो एम इधर मेरा बिल्कुल फ्री है, लाइक फायर कर रहा हूँ गोली भी निकल रहा है, कितना स्मूथली देखो गाइज ऊपर जा रहा है, ड्रैग अप हो रहा है, मतलब एम मेरा बिल्कुल लॉक्ड हो ही नहीं रहा इस एनिमी के ऊपर। अब इसको गाइज साइड में रखकर अगर रियल एनिमी पर हम लोग ट्राई करते हैं, लाइक इधर देखो स्कोप कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर फायर करके मैं ड्रैग अप करता हूँ, सो देखो उतना जल्दी एम ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ड्रैग अप नहीं हो रहा, सो ये वर्क कर रहा है एकदम रियल। सो गाइज यहाँ पर ही तो तुम लोग गलती कर रहे थे उतने दिनों से, तुम लोग ट्राई करते थे इस पुतले के ऊपर जो कि रियल वर्क करता ही नहीं है। सो यस गाइज, आगे जो भी मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ उसको पहले तुम लोग एक रियल एनिमी पर ट्राई करना, फिर इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है, जब तुम लोग परफेक्ट हो जाओगे फिर इसके ऊपर वर्क करेगा, बट सीखने के लिए एक रियल एनिमी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो डायरेक्ट जंप करते हैं ट्यूटोरियल के ऊपर। सबसे पहले गाइस तुम लोगों को लेफ्ट फायर बटन को इनेबल कर लेना है, बिकॉज राइट फायर बटन से सही वर्क नहीं करता है, लेफ्ट फायर बटन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखो गाइस मेरा लेफ्ट फायर बटन इनेबल्ड है, और सेकंड चीज है गाइस स्कोप बटन, इसको तुम लोग लेफ्ट राइट कहीं पर भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दैट्स इट गाइस, ये दोनों ही चीज गाइस हम लोग यूज करेंगे इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो गाइस, कोई भी एनिमी के ऊपर दो ही पोर्शन में डिफॉल्ट एम जाता है, एक तो टॉप और एक बॉटम, मतलब हेड पर या फिर बॉडी पर। अब देखो बॉडी वाला एरिया बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर हेड वाले से, ठीक है। अब देखो जो हेड वाला एरिया है इसी का इधर सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग करना है स्कोप। स्कोप करते हुए एक चीज ध्यान रखोगे कि स्कोप तुम लोग थोड़ा दूर करोगे, लाइक एकदम क्लोज में मत करना। अगर तुम लोग एनिमी के बहुत सामने स्कोप करते हो तो तुम्हारा डिफॉल्ट एम ऑटोमेटिकली चेस्ट पर चला जाता है, तो ये गलती मत करना। तुम लोगों को स्कोप करना है थोड़ा एनिमी से दूर, ताकि जो डिफॉल्ट एम है वो ना चिपके। यहाँ तक हो जाने के बाद गाइस तुम लोग को सिंपल सा प्रेस करना है लेफ्ट फायर बटन। यहाँ पर जैसे ही गाइस तुम लोग लेफ्ट फायर बटन प्रेस करोगे, देखो तुम लोगों का गोली निकलना शुरू हो जाएगा गन से। अब क्या करना गाइस, तुम्हारा जो स्क्रीन है उसको बस तुम लोगों को स्लाइड करना है या तो लेफ्ट या फिर राइट, मतलब जिधर एनिमी का हेड है उसी डायरेक्शन में तुम लोगों को स्लाइड करना है। अगर एनिमी लेफ्ट पर है तो मैं सिंपल सा अपने स्क्रीन को स्लाइड करता हूँ लेफ्ट की ओर, और तुम लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि हम लोगों को कितना दूर तक स्लाइड करना है, बिकॉज देखो गाइस जैसे तुम लोग फायर करते हुए स्लाइड करोगे ऑटोमेटिकली जैसे ही एक गोली एनिमी के हेड पर लगेगा तुम लोगों का एम चिपक जाएगा एनिमी के हेड पर। लाइक देखो जैसे मैं फायर करता हूँ सिंपल सा स्लाइड करता हूँ, देखो मेरा एम ऑटोमेटिकली उस जगह पर चिपक रहा है, देखो जितना बार मैं कर रहा हूँ इजिली चिपक रहा है। अब देखो गाइस ये अगर इतना सिंपल सा ट्रिक था तो ज्यादातर बंदे इसको क्यों नहीं कर पाते थे, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा रीजन है, तुम लोग का स्कोप करने का प्लेसमेंट ही गलत है। मतलब स्कोप करने का जो एक आइडिया होता है कहाँ पर हम लोग स्कोप करेंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इस ट्रिक के लिए। यस गाइस, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, तुम लोग का जब स्कोप करने का जो डिस्टेंस होता है या फिर एक हाइट होता है वो अगर तुम लोग का परफेक्ट हो जाएगा तो देखना कितने इजीली ये हेड वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो गाइस एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ तुम लोगों को। देखो गाइस जैसे कि मैंने पहले बताया इस पुतले के ऊपर ये ट्रिक उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। यहाँ पर देखो अगर मैं स्लाइड करता भी हूँ, ठीक है, देखो गोली हेड पर लगने के बाद भी मतलब मैं अगर ड्रैग करता हूँ इधर उधर स्क्रीन को तो फिर भी मतलब एकदम एम मेरा फ्री है, चिपका नहीं हेड पर, इधर उधर जा रहा है इजीली जा रहा है, ठीक है। सो ये एनिमी के ऊपर ट्राई मत करना, तुम लोग अगर सीखना चाहते हो इसके ऊपर ट्राई मत करना, नहीं कर पाओगे तुम लोग।
अब इसी जगह पर अगर हम लोग रियल एनिमी ऊपर करते हैं, देखो कितना जल्दी मेरा एम चिपक रहा है हेड पर। जैसे ही गाइस एक गोली लगता है मेरा एम पूरा चिपक जाता है, और मैं जितना भी ड्रैग करूँ इधर उधर उतना जल्दी ड्रैग नहीं होता, पूरा चिपका हुआ रहता है हेड पर। तो यस गाइस ये बहुत बड़ा डिफरेंस इन दो एनिमीज का, और ज्यादातर बंदे आई होप कि यही गलती करता था पहले। सो ओके गाइस, आई होप मैंने स्कोप स्लाइड हेडशॉट को पूरा क्लियर कर दिया कि तुम लोग कैसे कर सकते हो और वाइड हेव कैसे करता है। सो आई होप तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे। हाँ गाइस, वाइड हेव का और बहुत सारे एम बॉट ट्यूटोरियल है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं उसको भी एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो इसके लिए बस गाइस तुम लोग कमेंट में बता देना है कि मुझे और वीडियोज बनाने चाहिए वाइड हेव के ऊपर या फिर नहीं। सो ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी बंदे इस चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।